ओ सुनियो, मैंने अपने दोस्तों को भी पार्टी में बुलाया है। अच्छी बात है कि तुम यहाँ आए हो। तुम सब जो चाहते हो वो सब खा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई प्रेसिडेंट जी। मेरी खुशकिस्मती है कि आपके साथ काम करने का मौका मिला। तुम्हारे डैड तो एकदम पॉप स्टार जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कंपनी प्रेसिडेंट कमाल है। सुनो डोरेमोन, कुछ ऐसा करो ना जिससे मैं कंपनी प्रेसिडेंट बन जाऊं। कुछ करो ना डोरेमोन। मेरी बात सुनो नोबिता, एक कंपनी का प्रेसिडेंट बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है, लेकिन तुम बहुत ही लापरवाह हो। तुमसे ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई गैजेट नहीं जो मुझे प्रेसिडेंट बना सके। हाँ एक है तो सही। तो फिर निकालो ना। देखा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मैंने कहा ना मेरे पास है। कंपनी प्रेसिडेंट सेट। ये देखो, अगर तुम इस बिल्डिंग पर अपना नाम लिखते हो तो तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाते हो। सच में? तो फिर मैं यही करता हूँ। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंपनी का प्रेसिडेंट होना मजाक की बात नहीं। अरे मुझे पता है नोबिता। अरे ये क्या है? ये कंपनी में काम करते हैं, ये वही करेंगे जो तुम इन्हें कहोगे। वाह, ये तो एक असली कंपनी जैसा है। ये सब दिखने में छोटे हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। अहम, नोबिता कॉर्पोरेट्स, हमें बनाना है अपनी कंपनी का नंबर वन। ये नोबी कॉर्प क्या है? ये मेरी कंपनी का नाम है। ये बढ़िया है ना? कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। सुनिए आप लोग, आज से मुझे प्रेसिडेंट जी कह के बुलाएंगे। प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी। कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तुम लोगों को आज का पहला काम दूंगा। जाओ जल्दी से फ्रिज में से जूस लेकर आओ। अरे क्या तुम अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानोगे? ये क्या है नोबिता, ये तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने नहीं आए हैं, ये यहाँ काम करने आए हैं। ऐसा करोगे तो मैं गैजेट वापस ले लूँगा। ये तो बहुत ही बोरिंग है। तो बताओ तुम्हारी कंपनी में किस तरह का काम होता है? हाँ कैसा काम? सच बोलूँ तो मुझे सिर्फ प्रेसिडेंट बनना था, किसी से काम नहीं करवाना। ये किस तरह की बात हुई? तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो और तुम्हें पता ही नहीं है कि कंपनी क्या काम करती है? क्या, ये तो बहुत सारा काम है। वैसे भी मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है। अगर तुम एक साइकिल की कंपनी खोलते हो तो तुम्हें साइकिल बनानी होगी और बेचनी होगी। ओह अच्छा, तो कौन सा काम करने से पैसे मिलेंगे? नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लो, मैं बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम घर का ख्याल रखना, समझ गए? मैं अभी आती हूँ। मैं एक कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं होमवर्क नहीं करना चाहता। अरे हाँ, ये सही रहेगा, होमवर्क। और तुम्हारा होमवर्क कौन करेगा? मुझे तो लग रहा है ये अच्छा आइडिया है। अच्छे से काम करना। प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट जी। हाँ तुमने काम कर लिया, चलो देखते हैं। ये क्या लिखा है? होमवर्क सर्विस, शहर के सभी स्टूडेंट्स, क्या आप अपने होमवर्क से परेशान हैं? नोबी कॉर्प के पास आपकी परेशानी का समाधान है, हमसे अपना होमवर्क करवाइए। बताओ डोरेमोन, ये आइडिया है ना कमाल का? तुम ऐसा नहीं कर सकते, सबको अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। और वैसे भी ये सारा होमवर्क करेगा कौन? हाँ मेरी कंपनी वाला, क्या तुम ये कर सकते हो? ये काम तो बहुत मुश्किल है। नहीं, अब तुम अजीब सी बातें कर रहे हो, ये सब छोड़ो और कोई ढंग का काम सोचो। मैं समझ गया, ये ट्राई करता हूँ। मेरा होमवर्क हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, बाकी का होमवर्क बाद में करूँगा। कमाल है, अब ये आइडिया पक्का काम करेगा।
जाओ ये एड बाहर सबको दे दो, ठीक है? जितने ज्यादा हो सके उतने कस्टमर्स लाना। एक होमवर्क सर्विस। अरे ये क्या, नोबिता एक होमवर्क सर्विस शुरू कर रहा है। क्या ये कोई भी नहीं लेना चाहता, किसी को मुझ पर विश्वास नहीं। टेगी सुगी का होमवर्क है, मैं ये भी नहीं कह सकता। हाँ अगर बिजनेस चलाना है तो मुझे ये मुफ्त में करना होगा। मेरे जवाब ठीक होंगे तो सब मुझ पर भरोसा करेंगे। जाओ ये सारे स्टूडेंट्स में बांट दो और साथ में उन्हें आंसर्स भी दे देना। अरे हाँ डेगी सुगी और शिजुका के घर बिल्कुल मत जाना। ठीक है। हे नोबिता। नोबिता नोबिता मेरा मतलब नोबिता जी। नोबिता जी आपका होमवर्क सर्विस तो कमाल का है। सच में कल मैंने अपने बड़े भैया के साथ होमवर्क चेक किया और सारे के सारे आंसर सही आए। सच में? हाँ। सुनिए नोबिता जी, मुझे भी आपके होमवर्क सर्विस की जरूरत है, मेरी हेल्प कीजिए। और मैं भी आपकी इसमें मदद करना चाहता हूँ। तो फिर काम के 10 रुपए लगेंगे। हाँ बिल्कुल। हे नोबिता। हाय। गुड मॉर्निंग नोबिता। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। हाँ कुछ होमवर्क सर्विस के बारे में। क्या कहा तुमने सुनियो? मुझे नहीं लगता कि ये सच है। क्यों है ना नोबिता? प्लीज ऐसा ही कहना। तुमने ऐसा खुद नहीं किया है, क्यों है ना नोबिता? ये कॉर्पोरेट सीक्रेट है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मेरा आज का होमवर्क तुम ही करोगे। अगर होमवर्क करवाना है तो 10 रुपए देने होंगे। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं पूरे हफ्ते के होमवर्क के पैसे पहले ही दे देता हूँ, ठीक है? नोबिता मुझे भी चाहिए। ये तो बढ़िया चल रहा है। वाह कंपनी का प्रेसिडेंट होना तो कितना आसान है, और इस तरह तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। अरे रुको कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे रुक जाओ कहाँ जा रहे हो? समझ गया, अभी के अभी सारे पर्चे बांट दो और काम ढूंढो। इस बार क्या कर रहे हो? एक वॉकिंग सर्विस। कहना पड़ेगा मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए ही बना हूँ, मेरी सोच बहुत अलग और कमाल की है। ये क्या है? हाँ मैं अपना काम बढ़ा रहा हूँ, टॉयलेट की सफाई, बर्तन धोना और गार्डन की सफाई भी। नोबिता कोऑपरेट, काम करो काम, हमें पैसे कमाने हैं। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम में से कोई भी काम ढंग से नहीं कर रहा। हमें नुकसान के पैसे चुकाने होंगे, हमारा फायदा नहीं होगा। ओहो बस करो नोबिता, इतना गुस्सा मत करो। मैं हूँ ना, मैं ये टूटी हुई प्लेट ठीक कर दूंगा। ओके चलो ठीक है डोरेमोन, तुम्हारे कहने पर इनको माफ कर देता हूँ। नोबिता तुम्हारे लिए फोन आया है। अगर अब काम ढंग से नहीं किया तो कंपनी से निकाल दूंगा, समझे? हेलो मैं नोबिता। क्या कहा, तुम्हें अपना होमवर्क अभी तक नहीं मिला? अरे ये मेरा होमवर्क डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? क्या कहा होमवर्क? तुम अभी वो काम कर रहे हो क्या? ये वैसा नहीं, ये तो होम ट्यूटर जैसा काम है डोरेमोन। सब सुनो आंसर कॉपी करके होमवर्क देने का वक्त हो गया। अरे इसमें तो कोई भी नहीं है। सच कहूँ तो सब एक नंबर के काम चोर है। अरे ये क्या हो गया, टेगी सुगी का बुखार। उन सबसे माफ़ी मांग लो और मना कर दो। नहीं हो सकता, मैंने सबसे पैसे ले लिए हैं। अब कैसे भी करके हमें ये काम पूरा करना ही होगा। चलो सबको बुला लाओ। तुम लोग सही वक्त पर आ गए। चलो ठीक है अब सारा होमवर्क करने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 छोड़ो और फटाफट काम पर लगो। गड़बड़ हो गई है नोबिता, ये
ये सब कह रहे हैं कि तुम अच्छे प्रेसिडेंट नहीं हो, ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे। इस्तीफा दे दो। ये चाहते हैं कि तुम अब प्रेसिडेंट ना रहो। नहीं बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट तो मेरा क्या होगा? तो बस इनका ही हुक्म चलेगा।